नमस्कार जी, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मैं गर्व सिंह निराला आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जानेंगे मूलांक 5 और भाग्यांक 1 के बारे में। जिन लोगों का एक कॉम्बिनेशन है, उनके स्वभाव और उनके नेचर, उनकी करियर, उनकी लाइफ कैसे होती है, बहुत ही अलग कॉम्बिनेशन है, यूनिक कॉम्बिनेशन है। बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आपका एक कॉम्बिनेशन है तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। इससे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है, हमारा न्यूमरोलॉजी के बैच क्लास स्टार्ट हो चुका है। आप अगर इस साइंस को, इस विद्या को सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बेझिझक आप नीचे दिए गए नंबर पर या डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप समझेंगे कि सीखना क्यों जरूरी है, या आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के निर्णय से, क्योंकि आपका ही डेट ऑफ बर्थ में दो चीज़ें छुपाओ, आपकी स्ट्रेंथ और आपकी वीकनेस। जिस दिन आप अपनी वीकनेस को पहचान लेंगे और आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लेंगे, उस दिन लाइफ में सक्सेस होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आप कैसे समझेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपका ही नंबर आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपकी मजबूती को दर्शाता है। उस नंबर से जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ जो आपके अंदर जो आपका जो वीकनेस है, वो वीकनेस क्यों है, किस वजह से, और उसको कैसे बैलेंस करना है। जब इन दोनों चीज़ों को जब लाइफ में यूज करेंगे और आपकी डेट ऑफ बर्थ में, आपकी ही डेट ऑफ बर्थ में सीक्रेट से, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से अनेक पर्दा, अनेक राज को हटा सकते हैं और जीवन में सक्सेस को पा सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आप हमारे से पर्सनल कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं, वो पेड है। बात कर रहे हैं हम लोग 5 और 1 का। और 5 और 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिन व्यक्तियों का जन्म की तारीख 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, ऐसे लोगों को अगर पूरा कैलकुलेट करेंगे तो 5 आता, यानी मूलांक 5 आता। भाग्यांक 1 यानी कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को पूरा जोड़े, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर, तीनों को जोड़ने के बाद जो आएगा 1 नंबर, वो आपका भाग्यांक होगा। अब ऐसे लोग जो होते हैं ना, 5 और 1 से जो रूल करते हैं, 5 नंबर यानी मरकरी प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। मरकरी यानी कि बुध ग्रह को, जिसे हम प्रिंस बोलते हैं, राजकुमार भी बोलते हैं। अब एक राजकुमार का स्वभाव कैसा होगा, नेचर कैसा होगा, एक तरफ राजकुमार और दूसरे तरफ राजा, राजा और राजकुमार। 1 नंबर किसका है, सूर्य का है, किंग है, लीडरशिप है, इगोस्टिक है, नॉलेज वाला, ऑर्डर करने वाला, और एक तरफ यहाँ पे प्रिंस है जो सॉफ्ट राजकुमार है। जब ऐसे एक राजा और राजकुमार के कॉम्बिनेशन जब आएगा सामने, तो सोचो कि कैसी ऐसे व्यक्ति का कॉम्बिनेशन होगा। ऐसे व्यक्ति की लाइफ जो होते हैं ना, उनकी जिंदगी में उतार चढ़ाव कम आते हैं, अप एंड डाउन कम होते हैं। वो ऐसा लोग जो है ना, गुड लक फॉर 5 नंबर जो होता है ना, बुद्धि देता है, बिजनेस करने की सोच समझ देता है। 5 नंबर जो होता है ना, आपका जो मूलांक है, ऐसे लोग जो होता है बिजनेस माइंडेड ज़्यादा होते हैं। जो आप ऐसे लोगों के अंदर सोचने की क्षमता, एबिलिटी ही अंदर होती है, अलग होती है। ऐसा एक नंबर है, एक 5 नंबर, एक ऐसा नंबर जो आपको हर तरफ से बैलेंस करता है। बोलते हैं कि 5 ना, अगर 1 to 9 नंबर की बात करें तो 5 नंबर इज द सेंटर ऑफ नंबर, 1, 2, 3, 4 बीच में 5। 5 के बाद देखेंगे 6, 7, 8, 9, यानी कि दोनों तरफ से 5 नंबर इज द सेंटर नंबर, जिसे ब्रह्म स्थान का भी नंबर माना जाता है। और 5 नंबर हमारे लाइफ में, लोसो चार्ट में, हमारे लक्ष्मी यंत्रा में, ये 5 नंबर जो है ना, इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि 5 नंबर जो है पूरे नंबर को, पूरे ग्रिड को बैलेंस करता है। अगर कहीं पे भी ग्रिड कंप्लीट नहीं हो रहा और 2 नंबर है और 1 सेंटर का नंबर आ गया ना, तो चारों आपको डायगोनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, चारों कॉर्नर को फील करता है। जो आप देख रहे हैं लोसो ग्रिड, ये 5 नंबर इंपॉर्टेंट नंबर है। अब बात करते हैं इनसे बड़े, ऐसे लोग जो होते हैं ना, हर नंबर को एडजस्ट करते हैं, चाहे वो इनसे बड़ा हो या छोटा हो, कैसा भी नंबर हो। अब बात करते हैं मरकरी और शनि, यानी सूर्य और आपका बुध, एक कॉम्बिनेशन आपको दिमाग से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया देता है, नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, सबसे अलग होता है। साथ ही साथ ऐसे लोग जो जिस चीज़ों को देखेंगे ना, जो सोचेंगे, उसको इस तरह से बोलते हैं ना कि इनोवेट करना, डिजाइन करना, सजाना, वो लोग होते हैं इनोवेटर्स होते हैं, किसी भी चीज़ का अलग से खोज करना, खोजबीन करने वाले, बिल्कुल एकदम मास्टर माइंड व्यक्ति बोलते हैं, एकदम मास्टर माइंड ऐसे होते हैं। इनको कुछ न कुछ चीज़ें जीवन में नया करना है, खोजना है, क्या करे, कैसे करे, चीज़ों को एक्सपोज करना इनको बहुत अच्छी तरीके से आता है। खास करके ऐसे लोग जो होते हैं ना, हमेशा एक्सपोज में ज़्यादा रहते हैं, ये नहीं ऐसे ठीक नहीं रहेगा, एक काम करेंगे तो सही रहेगा, इस काम को करेंगे तो सही रहेगा, ऐसे लोगों के अंदर क्वालिटी देखी जाती है। खास करके ये लोग हमेशा बहुत ही अलर्ट रहते हैं, बिजी दिखाई देते हैं, इनकी सोच, इनको बिजनेस माइंडेड होता है। और ऐसे लोग कोई भी काम को करते हैं ना, तो बिल्कुल एकदम फटाफट तरीके से काम करते हैं, इनकी काम करने का तरीका ही अलग है, और उस काम को ख़त्म करने की इनके अंदर कैपेसिटी भी होती है कि चीज़ों को ख़त्म करना।
वो खत्म कैसे करना है, इनके अंदर टैलेंट है, क्योंकि साथ में बैठा हुआ है ना सूर्य, उसके अंदर तो लीडरशिप क्वालिटी है, वो एक एनर्जी देगा, क्योंकि सूर्य जग जीता जाता है हमें जो रोशनी प्रकाश, और हमारे अंदर जो है ना बॉडी के अंदर विटामिन डी और सारी एनर्जी भी देती है, और वो हमारे देव भी उन्हें हम मानते हैं। तो 1 नंबर की क्वालिटी इनके अंदर है, और 5 नंबर जो भूत, जो हम बोलते हैं कि कोई भी काम को शुरू करते हैं तो भगवान गणेश को शुरुआत करते हैं, श्रीपति गणिताय नमः, ओम गण गणपति नमः। तो गणेश जी और एक तरफ सूर्य, अरे दोनों कॉम्बिनेशन आपस में बहुत ही मजेदार और अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है, जिसके कारण इनके अंदर सारी एबिलिटी और क्षमताएं आती हैं, जो अलग काम करना, अलग तरीके से करना। अब ऐसे लोग किसी भी काम को अगर स्टार्ट करते हैं ना, तब तक नहीं रुकते जब तक काम वो पूरा नहीं हो जाए। इनके पास नॉलेज, इनकी जो जिम्मेवारी, इनकी जो लाइबिलिटी, उसकी वजह से ऐसे लोग जो है ना पॉपुलर होते हैं, कहाँ, अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड में, मोहल्ले में, या जहाँ ऑफिस में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं वो वहाँ पे होते हैं। उसी की वजह से इनको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलता है सोसाइटी में, समाज में। साथ ही साथ ऐसे लोग जो होते हैं ना, किसी भी काम को होते हैं बहुत एफर्ट से, बहुत मेहनत करते हैं और पैसे भी कमाते हैं। इजी वे में नहीं कमाते, पैसा कमाने में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि ऐसे लोग हर एक बिजनेस का एक ट्रेड होता है, कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस को सूटेबल करना पड़ता है, और हर बिजनेस से चाहे तो सूटेबल नहीं होता, क्योंकि 1 नंबर के कारण इनके अंदर थोड़ा सा ईगोस्टिक भी आ जाता है, यहाँ पे डिमेरिट है। जब ऐसे व्यक्ति के अंदर जो है ना जब ईगो आता है तो कि इनकी चीज़ें गड़बड़ाता है, लेकिन साथ में 5 नंबर है तो ईगो को बैलेंस कर देता है। जब ईगो आपकी बैलेंस हो जाएगा तो जीवन में सक्सेस होने से कोई रोक सकता है, नहीं रोक सकता है। तो ये 5 और 1 का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आप भी इस कॉम्बिनेशन वाले हैं और अगर हमारी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बनाएगा। और एक छोटी रिक्वेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले दोस्तों, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दें, ताकि जब भी हमारा वीडियो है तो आप तक तुरंत पहुँचे। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।